हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। आज हम फिर से एक बार डिस्कस करने वाले हैं क्रॉम्पटन ग्रीव्स पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी के बारे में। हमने 16 अगस्त को ये कंपनी डिस्कस की थी और हमने आपको बताया था कि ये लॉस मेकिंग कंपनी है, इसके सारे फाइनेंशियल्स देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फिर भी इसमें एक न्यूज़ निकल के आ रही थी, वो हमने आपको बताई थी और उस न्यूज़ के चलते हमने आपको बताया था, जब हमने आपको कवर किया था तब ये 13 रुपीज़ पे चल रहा था। हमने आपको कहा था कि ये 16-17 रुपीज़ तक ईजिली पहुँच जाएगा और ये एक रिस्की कॉल है, बट अगर किसी को अंदर एंट्री लेना है या जिसका होल्डिंग है वो वहाँ तक रुक सकता है और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उसको मेंटेन करना है। तो आज हम देखेंगे, आज ये कंपनी का शेयर 21.35 पे चल रहा है और ये सर्किट टू सर्किट गया है। हमारे वीडियो हमने 13 रुपीज़ पे बनाया था तब से हम देखेंगे तो मोर देन 75% का इसने जंप ले लिया है जस्ट विद इन अ टाइम स्पैन ऑफ 10-12 डेज। तो अब हम देख लेते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए और क्या न्यूज़ निकल के आई है कि ये अपना जो नॉर्थवर्ड मूवमेंट है ये बरकरार रखा है। उसके पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल, वो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी ज़रूर कीजिए ताकि हम ऐसे कंपनी आपके लिए ढूंढ के लेके आते रहें और आपको उसमें इन्वेस्टमेंट की बारीकियां बताते रहें। हाँ, मैं एक स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा मिस्टर अविनाश आप्टे जी को फ्रॉम नासिक, जिन्होंने ये कंपनी के बारे में मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैं वीडियो बनाऊं। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम इसका एक मंथ का ग्राफ देख लेते हैं। आप एक मंथ का ग्राफ देखिए इसका, ये 8 रुपये से शुरू हुआ है और ये कंटिन्यूसली ऊपर जाते रहा, थोड़ा थोड़ा ब्रेक होता था बट 13 रुपीज़ के आसपास हमने इसको यहाँ रिकमेंड किया था। और यहाँ से आप देखेंगे तो ये रोज़ सर्किट टू सर्किट जा रहा है, रोज़ 5% का सर्किट लेके ये आज 21.35 पे ये कंपनी क्लोज हुई है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स आप देखेंगे पावर हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की कंपनी है, मार्केट कैप 1,275 करोड़ है, पी देखेंगे -0.61 है, पीबी 0.61 है, सेक्टर का पीबी 2.85 है। अब हम जरा एनएससी का डेटा देख लेते हैं। हम आज का एनएससी का डेटा देखेंगे तो आज ट्रेड हुआ है 580,381 शेयर्स, 100% डिलीवरी उठ गई है इसमें। अब हम जरा हिस्टोरिकल डेटा देख लेते हैं, तो आप हिस्टोरिकल डेटा में हम आएंगे तो 28 को 100% डिलीवरी विद 580,000 शेयर्स, 27 को 12.25 और आप 26 को देखेंगे तो यहाँ एक बहुत बड़ा डील हुआ है, ये डिपिक्ट हो रहा है 5,30,00,000 शेयर के आसपास यहाँ पे ट्रेड हुआ है। तो ये अब आप कह सकते हैं 19.4 रुपीज़ के आसपास हुआ है। उसी दिन इसने सर्किट ब्रेक किया था अपना और ये 18.2 तक ये शेयर आया था और यहीं 18.2-18.3 के आसपास ये बड़ा माल यहाँ पे उठाया गया है। तो हम अब ये कह सकते हैं कि इसने 19.4 का एक बेस बना लिया है। अब हमको इस बेस को नज़र में रखना चाहिए अपने आगे इन्वेस्टमेंट के लिए कि 19.4 जो है ये अब इसका स्ट्रॉन्ग एक बेस है, अगर ये ब्रेक करेगा तो ये नीचे जाएगा, अदरवाइज इसका अपवर्ड मूवमेंट जो है वो बरकरार रहेगा। इसने 52 वीक्स का अपना हाई भी बना ही लिया है। हम न्यूज़ देख लेते हैं कि क्या न्यूज़ निकल के आ रही है कि इतनी बड़ी डिलीवरी उठी या किसी को ये न्यूज़ पहले पता चल गई थी। तो जैसे कि हमें मालूम है कि मुरुगप्पा ग्रुप साउथ की बहुत बड़ी ग्रुप है, उन्होंने उनका जो इंडस्ट्रियल फर्म मतलब हैंड है ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने 700 करोड़ रुपया इसमें लगाने की पेशकश की थी, उन्होंने बिड किया था और अभी तक
कोई भी बिड उसमें नहीं आए और इन्होंने ये बिड जीत लिया है। मुरुगप्पा ग्रुप सेट टू विन स्विस चैलेंज फॉर सीजी पावर आफ्टर नो फ्रेश बिड। 56.6% स्टेक ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया को मिल चुका है। आप देखेंगे तो सीजी पावर का जो बुक है, बुक ऑर्डर बुक है, वो बहुत स्ट्रांग है। अभी भी सीजी पावर इज एन एस्टेब्लिश प्लेयर इन इंडस्ट्रियल मोटर एंड पावर कंपोनेंट। ट्यूब इन्वेस्टमेंट इज एन इंजीनियरिंग आर्म ऑफ मुरुगप्पा ग्रुप जिसका 36,900 करोड़ की मुरुगप्पा ग्रुप का वो इंजीनियरिंग आर्म है और इससे दोनों को बहुत बेहतर एक सपोर्ट मिलेगा और आगे चल के बेहतरी के लिए ये दोनों कंपनी जाएंगे। हाँ, मेरा टारगेट इसमें ये है कि अब ये कंपनी बढ़ रही है, इसमें ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया का भी हाथ आ चुका है, उन्होंने भी इसमें पैसा डाल दिए हैं। इसमें जो भी ये कंपनी का माइनस पॉइंट था वो हुआ था बिकॉज ऑफ द प्रीवियस प्रमोटर गौतम थापर, जो 1,000 करोड़ के आसपास जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगे थे कि उन्होंने कुछ पैसे कंपनी से निकाले हैं या ऐसा कुछ। अब मुरुगप्पा ग्रुप या हम कहें ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया का जो प्रमोटर है, अब उनके हाथ में कंपनी आ जाएगी और कंपनी बिजनेस अच्छा कर ही रही है तो आगे हम इसमें 40 रुपये का भी टारगेट देख सकते हैं। बट अगेन मैं आपको कहूँगा कि एक स्ट्रिक्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ही आपको करना है। जिस दिन आपको लगे कि ये कंपनी अब इसके प्राइजेस हॉल्ट कर रहे हैं या जिस दिन ये आपको नेगेटिव में लगता है, प्लीज़ एटलीस्ट 50% ऑफ द स्टॉक्स आप उस दिन लिक्विडेट कर दीजिए, क्योंकि अभी तक ये कयास पे ही चला जा रहा है। अभी तक यही है कि ट्यूब ने, इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें लिक्विडेशन किया है, पैसे डाले हैं, तो ये आगे बढ़ेगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 क्वार्टर जब तक नहीं निकले, हम 100% ये नहीं कह सकते कि ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बनाएगा या हमको उसमें देखना चाहिए। फिलहाल के लिए ये भाग रहा है, ठीक है, जिसका भी इन्वेस्टमेंट है बहुत अच्छी बात है। बट जहां भी ये हॉल्ट लेता है तो मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आपको 50% एटलीस्ट उसमें अपनी होल्डिंग लिक्विडेट कर देनी चाहिए। इसी के साथ हम वाइंड ऑफ करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।